आज हम बात करेंगे बंगाल की घटना के ऊपर और कैसे केंद्र सरकार मौन चुप बैठी है। प्रॉपर टिपिकल डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हैंडल करना चाहते हैं, टिपिकल जैसे दो पार्टियां एक दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देती हैं वैसे हैंडल करना चाहती है। लेकिन उनको मैं बता दूं इस वीडियो की शुरुआत में ही कि आपको इस वजह से दूसरी बार नहीं चुना गया है। आपके पहले कार्यकाल में लोगों ने कुछ नोटिस किया था और आपको और ज़्यादा पावर सिर्फ इसलिए दी थी कि भविष्य में जब कभी आपदा आएगी, जब कभी उनकी जान खतरे में होगी, जब कभी राज्य खतरे में होगा, ऐसी आक्रांताओं के अंडर में आ जाएगा, तो आप कठोर कदम उठाएंगे। जब वो वक्त आया है तो आप बस रिपोर्ट मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अंदर से कुछ चीज़ें चल रही नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्या उसको सुधारने के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं। जनता को कुछ नहीं पता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ कर नहीं रहे होंगे या फिर करना चाह नहीं रहे होंगे, लेकिन आपकी क्या इंटेंशंस हैं जनता को कुछ आश्वासन दीजिए, क्योंकि वहाँ पे लोग मर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी आबादी में आपके ही कार्यकर्ता हैं और आपके कार्यकर्ता के परिवार वाले हैं। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में ये हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी 200 से ऊपर सीटें ले आती है और भाजपा 100 से अंदर में सिमट जाती है। भाजपा ने 377 के आसपास की सीटें ली हैं, काफ़ी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। लेकिन वो मंशा लेके चल रहे थे कि अब की बार 200 पार वो जीतना चाह रहे थे, लेकिन हार गए। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से जीत जाते हैं, अपने गढ़ से वो जीत जाते हैं, सीएम पद के कैंडिडेट को हरा देते हैं जो लगातार 2 साल से ऑलरेडी सीएम रह चुका है, सिटिंग सीएम है, और अभी भी पार्टी जीती है तो वही सीएम बनेंगी, भले वो खुद चुनाव हार चुकी हैं। विचित्र बात है, लेकिन तब भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं। तो इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, एक पक्ष जीता एक पक्ष हारा, ये चलता है, एक पक्ष जीता एक हारता है। जीतने के बाद मैडम की ही पार्टी वर्कर्स द्वारा चुन चुन के हिंदुओं के, मैं हिंदू बोलना चाहता हूँ क्योंकि एक बंधु ने वीडियो बनाई और उन्होंने सेंटर से गुहार लगाई और कहा कि यहाँ हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। मैं वो वीडियो भी दिखा दूंगा। सर जी हम लोग को बचाइए, सर जी हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे, सर जी सब कुछ खत्म कर दे रहा है, ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डैमर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सब हिंदू का घर, कोई हिंदू का घर नहीं छोड़ रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ भाजपा का एससी मोर्चा का, मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ, मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर में सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया, सिर्फ मेरा नहीं हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी आप लोग हम लोग को बचाइए, सर जी हम लोग नहीं तो मर जाएंगे, सर जी हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जी हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए, हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। ऐसा होने के कुछ कारण हैं जो मैंने अपने पिछली वीडियो में दिखा दिया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो दूर तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इसकी रीच बढ़े। सत्ताधारी पार्टी स्पेसिफिकली सेंटर गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी, उसके कान में झूमेंगे कि आपको किस एक्सपेक्टेशन से उस गद्दी पर दोबारा बैठाया गया है। आप इसलिए नहीं बैठे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ऐड करें। विश्वास जीतने के चक्कर में अगर आप हिंदुओं की बलि देना चाहते हैं सर, तो माफ़ करिएगा, अगला टेन्योर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब जो मैं बात कर रहा था कि क्यों ये हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, क्या ये हिंदू मुस्लिम राइट हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि
ममता बनर्जी जीती कैसे, ममता बनर्जी कैसा ये अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, वोट बैंक की टैक्टिक अपनाई, कैसे ये कैसे उन्होंने डेमोग्राफी को किस तरीके से मैनेज किया कि वो जीत गई। आप सबको पता है कि बांग्लादेशी मुसलमानों की, रोहिंग्या मुसलमानों की कितनी बड़ी भरमार है बांग्लादेश के थ्रू आसाम में इन सब जगहों पर। आपको मैंने प्रूफ भी दिखाए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी तादाद में लोगों को ज़मीनें अलॉट की। आज की डेट में भारत में अगर कोई रूलिंग पार्टी चाहते तो जितनी बड़ी आबादी को वोट बैंक बनाना हो, अगर वो वोट बैंक, वो आबादी, वो कम्युनिटी अगर मुसलमान है तो उसको कुछ खास नहीं करना है, उसे एक हिंदूवादी पार्टी के विरुद्ध में खड़ा होना है बस, और ये नारे लगाना है कि हम इस पार्टी के खिलाफ हैं जो हिंदुत्व पर चलती है। दूसरा काम उसको बस यही करना है कि इलीगल माइग्रेटेड रोहिंग्याओं को, मुसलमानों को सिटीजनशिप दे देनी है, लीगल राइट्स दे देने हैं, लैंड दे देना, मतलब छोटी मोटी चीज़ें करके खुश कर देना है, और एक मुल्ला पकड़ लेना है जिससे ये बुलवाना है कि आप बट बट के वोट मत करिए, एक पार्टी को वोट करिए अगर आपको अगली पार्टी को हराना है तो, मतलब TMC के साथ आ जाइए अगर भाजपा को हराना है। अगर आप कांग्रेस, लेफ्ट, कम्युनिस्ट में बढ़ जाएंगे तो TMC भी हार जाएगी, सारे तो हारेंगे ही हारेंगे, और आपको वोट की ताकत भी नज़र नहीं आएगी और आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जो पार्टी भाजपा आने से पहले बता चुकी है कि हम NRC उसी लागू करेंगे और इलीगल लोगों को निकालेंगे। और जो बंगाल में विकास की बात की है उससे तो इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं वैसे भी, तो इन लोगों को उससे मतलब नहीं, तो उन्होंने समझ लिया कि किसको वोट देना है, तो ऐसे वो जीती हैं पहली चीज़। और ये बात मैंने रिजल्ट आने से पहले ही कह दी थी कि क्या तरीका हो सकता है अगर वो जीतती हैं तो क्या वजह होगी, और यही हुआ भी। अब इस पर कंगना मैडम ने भी ट्वीट किया, ये हिंसा को देखते हुए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। पूरे भारत की जनता को, लगभग जितने भी लोग सोशल मीडिया में, सबको ये पता चल चुका है कि बंगाल में हो क्या रहा, बंगाल जल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपने आप को सेकुलर और लिबरल कहता है वो चुप है। वो इसलिए चुप है कि वो क्रिटिसाइज करे तो किसको करे, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद अपने पार्टी वर्कर को इस दंगे के बाद कहा है। ममता हाउएवर अपील टू हर पॉलिटिकल वर्कर्स टू मेंटेन पीस एंड काम। সকলের সামনে আমি একটাই কথা অ্যাপিল করব সবাইকে, আমার সকল ভাই বোনেদের, যে বাংলা শান্তিপ্রিয় জায়গা, সংস্কৃতিপ্রিয় জায়গা, সম্প্রীতিপ্রিয় জায়গা, নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে হার জিত হয়েছে, আবহাওয়া গরম হয়েছে কখনো কখনো, আবহাওয়া ঠান্ডা হয়েছে, এবং BJP অনেক অত্যাচার করেছে এটা আমরা জানি, সেন্ট্রাল ফোর্সেস অনেক অত্যাচার করেছে আমরা জানি, তা সত্ত্বেও আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে जानो हमरा क्यों कोनो वायलेंस से ना जोड़ाई। इसका मतलब ये कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये प्रूव कर दिया है कि उन्हीं के वर्कर्स कर रहे हैं, और बिना किसी लीडरशिप के, मैंने कह रहा कि डायरेक्ट ममता के कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन बिना किसी लीडरशिप के ये सब काम होना पॉसिबल नहीं है, ये प्री प्लान्ड था। अब आते हैं कंगना मैडम पे। कंगना मैडम ने ये ट्वीट्स किए, मैं दिखाना चाहता हूँ, इन चीज़ों पर सवाल उठाया और इन सब चीज़ें बताएं कि क्या हो रहा है बंगाल में। उसके बाद ट्विटर ने मैडम का, कंगना मैडम का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। इसका क्या कारण था मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ट्विटर पे आए दिन देखता हूँ जान से मारने की धमकियाँ से लेके, भारत को गाली देने से लेके, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को गाली देने से लेके, टीज करने से लेके, सब कुछ होता रहता, आए दिन होता रहता है। लेकिन ऐसे ट्वीट्स पे किसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देना, वाह, इससे साबित होता है कि ट्विटर की भी लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी है, या कम्युनिस्ट, माओइस्ट, इस्लामिस्ट, जो कहना कह लो, एंटी राइट विंग अगर कह लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सूट करेगा, और एंटी इंडिया भी। खैर, यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अहम है। पहली वो चीज़ कि आप समझ लीजिए कि सत्ता बदलती है तो क्या होता है। आप समझ लीजिए कि अगर सत्ता के खो जाने का डर होता, मात्र डर ही हुआ था, 377 सीटें जो दायरा तय किया भाजपा ने, और जो जीत का खौफ दिखा दिया था कि हम जीत भी सकते हैं, सिर्फ इतने से ही क्या हुआ कि हिंदुओं पे उस एरिया में अटैक हो गया, मतलब एरिया जैसे बंगाल में अटैक हो गया। अब आप ये समझिए कि कितनी ज़रूरत है इस वायरस को इस देश से, जड़ से निकालना, कितनी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, भारत की जनता अपने किसी राज्य में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उसी के किसी राज्य में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, चुन चुन के एक कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है टू बी स्पेसिफिक, तो आपका फ़र्ज नहीं बनता कि आप सेंटर पे दबाव बनाएं कि वो इस घटना को रोके। इस वीडियो से मेरी मांग है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए। बहुत ज़्यादा आगजनी हो चुकी है, 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल ऑलरेडी भारत में लग चुका है,
कई सरकारों ने अपने रूल में 10-10 बार 15-15 बार लगाया है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं कि कोई स्पेस से आई हुई चीज़ें प्रेजेंट रूल आप लगा सकते हैं उस घटना को, उस आपदा को, उस आगजनी को, उस दंगे फसाद को कंट्रोल करने के लिए। शायद ऐसे ही कुछ कारणों को टैकल करने के लिए, कुछ घटनाओं को आगे भविष्य में उनसे मुकाबला करने के लिए इस सरकार को गद्दी पर बिठाया गया है। ये बात ये सरकार ना भूले और इसके समर्थक ना भूले। अगर आप ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सर, तो हमें ज़रूरत है एक नए चेहरे की, चाहे वो संघ से आए, भाजपा से आए, चाहे वो योगी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे मोदी जी, जिसको आना है आए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके इस चीज़ को एडमिट कर लीजिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो, कोई गलत फॉल्स होप लेके ना चले। इस वीडियो में इतना ही। अब और बंगाल को जलता हुआ आदमी नहीं देखना चाहता है, कृपया इसका समाधान निकालें अथवा साफ साफ बता दें। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइए। अपना विचार कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सरकार प्रेजेंट रूल लागू करना चाहिए, चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहिए, इसीलिए आपने उनको बैठाया है, तो कृपया सरकार पर दबाव बनाइए हर माध्यम से। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।